गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में। आज हम बात करते हैं परमाणु के समस्थानिकों के बारे में। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ये हम पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटोन होते हैं उन प्रोटोनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। और किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो जो परमाणु संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या की लगभग आधी होती है। आज हम बात करते हैं समस्थानिक के। समस्थानिक जो टॉपिक है, इसे पढ़ने से पहले हम कुछ जो पहले हमने पढ़ा था उसका हम रिविज़न करेंगे। देखिए, आप इसमें एक परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो परमाणु जो होता है उस परमाणु के बीचों बीच पाया जाता है नाभिक, और इसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, ये ऑर्बिट होते हैं। पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने कक्ष होते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद हर कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। 2n² जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हर कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हम ये भी पता कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं? कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, किसी तत्व के कुछ परमाणु, जैसे कि हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो एक नंबर पर आता है, एक नंबर पे है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना हुआ? एक, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक। मैंने आपको कहा था न्यूट्रॉन की संख्या कम, ज़्यादा या फिर बराबर हो सकती है। हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हम हाइड्रोजन के अगर परमाणु की बात करें तो ये है इसका नाभिक, इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें है नहीं, ये इसके चारों ओर का कक्ष हो गया। एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? एक। ये है हाइड्रोजन का परमाणु। अब हम बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होता है कि किसी तत्व के कुछ परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी किसी तत्व के कुछ परमाणु जो होते हैं उनमें प्रोटोनों की संख्या तो सब में समान होगी, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो सब में अलग अलग होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है? अलग अलग। तो किसी तत्व के इस तरह के जो परमाणु होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक तो है प्रोटियम, ठीक है, जिसको H से या P से हम लिखते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, ये नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जो हाइड्रोजन का परमाणु है इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है? नहीं है। हाइड्रोजन का एक परमाणु ऐसा भी मिलता है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन पाया भी जाता है। और प्रोटॉन सब में, प्रोटॉन की संख्या सब में एक जैसी होगी, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। यह है ड्यूटेरियम, जिसे डी से भी लिखते हैं। अगला बात करते हैं ट्राइटियम, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना है? एक। ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना है? एक। तीसरा हम बात करते हैं ट्राइटियम की, इसकी प्रोटॉन की संख्या होती है एक और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होती है दो, और इलेक्ट्रॉन इसमें होता है एक ही। ध्यान रखें ये तीनों ही परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तीनों परमाणु ही हाइड्रोजन के हैं। इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या समान है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में बराबर है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है ना वो अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें दो न्यूट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या है एक, न्यूट्रॉन नहीं है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? एक। और परमाणु संख्या भी क्या हो गई? एक, क्योंकि एक प्रोटॉन है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं परमाणु संख्या, यहाँ हम लिखते हैं परमाणु संख्या, ऊपर हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या का मतलब है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या इन तीनों में सब में क्या है? बराबर है। तो प्रोटॉन है एक और द्रव्यमान संख्या भी एक है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा हम बात करें, परमाणु संख्या इसमें एक है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? दो। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, दोनों का टोटल हो गया दो। ऐसे ही ट्राइटियम है, उसमें परमाणु संख्या तो एक है लेकिन द्रव्यमान संख्या दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो टोटल होगी तीन। यहाँ पे देखो परमाणु संख्या सब में समान है, इन तीनों ही परमाणुओं में परमाणु की संख्या एक एक है, एक एक एक, और परमाणु संख्या एक है, इसका मतलब एक नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन। तो ये तीनों ही परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के।
लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या है एक, इसकी द्रव्यमान संख्या है दो और इसकी है तीन। और ये अलग अलग होने का कारण, प्रोटोन तो सब में एक जैसे हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इस तरह के जो परमाणु होते हैं वो उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम है उसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन दो एक न्यूट्रॉन, ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो ये तीन क्या है, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे दो क्या है, इन दोनों का टोटल। यहाँ पे एक क्या है, इसी का टोटल। तो परमाणु संख्या सब में समान है, यानी प्रोटॉन सब में एक एक है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो टोटल है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके आता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, प्रत्येक का नाम लिखो। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में जीरो न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन। और इसका टोटल हो जाता है तीन, इसका टोटल दो और यहाँ पे एक ही। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के समस्थानिक भी दे रखे हैं। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में C6H12, फिर है C6H14। ये दोनों ही कार्बन है, कार्बन के परमाणु है। अब देखिए यहाँ पे 6 का मतलब है इसकी परमाणु संख्या। कार्बन जो होता है वो और सारणी में 6 नंबर पे आता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। तो ये तो क्या है, इसके प्रोटॉनों की संख्या। और ऊपर जो संख्या दे रखी है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल है। अगर हम इसका नाभिक बनाए, परमाणु बनाए, तो इसमें 6 प्रोटॉन है। इसका भी अगर हम बनाते हैं परमाणु तो इसमें भी कितने हैं, प्रोटॉन 6। दोनों की परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का टोटल है 12। यहाँ पे 6 तो ये हो गए, 12 में 6 तो प्रोटॉन ही हो गए बच्चे, कितने, 6। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 6। ये टोटल द्रव्यमान संख्या होगी 1414 में से अगर 6 हटा देते हैं तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दोनों में बराबर है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में ही क्या है, अलग अलग है। इसके बाद अगर हम नाभिक के चारों कक्ष बनाते हैं तो दो कक्षाएं बनेंगी, 6 प्रोटॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका परमाणु। ऐसे ही इसका देखिए, ये हो गया इसका परमाणु। अब देखो आप दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही कार्बन के परमाणु हैं लेकिन यहाँ पे फर्क है न्यूट्रॉनों की संख्या में। यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है 8। तो इसका द्रव्यमान हो जाता है 12 और इसका द्रव्यमान हो जाता है 14। परमाणु संख्या दोनों की समान है, अंतर किस में है, द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या में अंतर किसके कारण आता है, न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण। तो इस तरह से समस्थानिक क्या होते हैं, किसी भी तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो सबके बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का कारण होता है न्यूट्रॉन। अब देखिए ऐसे ही जो थर्ड एग्जाम्पल आपका है, यहाँ पे क्लोरीन का दे रखा है। क्लोरीन एक तो 1735 दे रखा है और 1737 दे रखा है। ठीक है, 17 का मतलब है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 17। परमाणु संख्या का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या। तो 37 जो है द्रव्यमान संख्या है, इसमें से 17 क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या, बाकी बचे हुए क्या है, न्यूट्रॉन। यहाँ पे 35 में से 17 क्या हो गए, प्रोटॉन, बाकी बचे हुए क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक की परिभाषा मैं दोबारा बोल देती हूँ, कोई भी किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें उस तत्व के समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अभी मैंने डायग्राम बना के बताया। कार्बन के दो समस्थानिक अभी अभी आपको बताए हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन के भी दो समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और 37। तो ये क्या है, समस्थानिक है। तो आज के लिए जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, समस्थानिक किसे कहते हैं और इसको डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक मैंने बताया आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है,
हाइड्रोजन के अलावा किन्हीं दो और तत्व के समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो कार्बन का आ जाएगा और क्लोरीन का आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट करने हैं, और होमवर्क करके कल मुझे इसी टाइम तक सेंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।